हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ये है हमारी न्यू वीडियो जो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, और ये बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनाया है मैंने मैक्रोनी, और मैक्रोनी के लिए सबसे पहले मैंने मैक्रोनी उबाल दी है, अलग से बॉईल कर दी है, और इसमें गैस पे रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है रिफाइंड के बाद जीरा, जीरे के बाद मैंने प्याज डाला है। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से भूनेंगे, और जब ये लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे, पहले तो हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज कच्चा नहीं होना चाहिए, लाइट ब्राउन कलर का। अब ये हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ऑलरेडी काट रखे हैं, तो टमाटर भी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। प्याज और टमाटर जब अच्छे से पक जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। मसाले में मैंने डाला है नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया। इसके साथ साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद मैंने इसमें मैगी मसाला भी ऐड किया है, तो मैगी पास्ता मसाला भी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे। और जब सारे हमारे मसाले अच्छे से बन जाएंगे, पक जाएंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड जो भी हमने पास्ता या फिर मैगी बॉइल किया है अलग से, वो हम इसमें डालेंगे। तो मेरी बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है जो मोस्टली घर में बनती है, कोई भी एक्स्ट्रा मैं इसमें नहीं करती हूँ। तो ये बेसिक सी रेसिपी है जो मैं बनाती हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी आप देखते जाइए, और इसमें ऐड करेंगे हम बॉइल्ड पास्ता या मैक्रोनी। तो बॉइल्ड पास्ता या मैक्रोनी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारे मसाले हमारे जो पास्ता है उसमें मिक्स हो जाएं अच्छे से, कोई भी एक जगह भी ऐसा ना रहे कि इसमें मसाला मिक्स नहीं हुआ है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें रखेंगे ढक्कन 5 से 10 मिनट के लिए, और ये हमारा पास्ता या मैक्रोनी बन जाएगा। फिर आप इसको अच्छे से खा सकते हैं। और यहाँ मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि आज है संडे, और संडे के दिन मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, मतलब जो भी काम होते हैं वो मैं संडे को ही करती हूँ। कपड़े धोने के बाद मैं यहाँ पे वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ। वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए मैंने लिया है लाल हार्पिक, जो जूना जो होता है साफ़ करने वाला, ग्रीन वाला, उसमें मैंने जूने में लाल हार्पिक लिया है। और फिर मैं इसको अच्छे से पूरे वॉश बेसिन को साफ़ करूँगी, क्योंकि वीक में वॉश बेसिन साफ़ करना चाहिए, गंदा हो जाता है। तो मैं ठीक से इसको साफ़ करूँगी अच्छे से, और ये भी हमारा गंदा हो ही गया था वॉश बेसिन, तो इसको मैं अच्छे से ऊपर से नीचे तक साफ़ करूँगी। और जब साफ़ कर देंगे ना इसको, हम अच्छे से रगड़ देंगे, साफ़ कर देंगे, उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अच्छे से पूरा वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, और उसके बाद हम साफ़ करेंगे शीशा, क्योंकि शीशा भी गंदा हो गया तो शीशा भी साफ़ करना होगा। उसके लिए लेंगे हम पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर लिया है मैंने, और उसके बाद हम कॉलम से उसको साफ़ करेंगे अच्छे से। फिर जब ये क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद हम वॉश बेसिन को वॉश कर देंगे पानी से। तो गाइस, ये हमारा वॉश बेसिन साफ़ हो गया है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 5 से 10 मिनट का ये काम था। और वीक वाइज अगर आप साफ़ करेंगे तो जल्दी ज़्यादा ये गंदा भी नहीं होगा, और इजीली साफ़ हो जाएगा। तो मैं वीक वाइज इसको साफ़ कर देती हूँ, बाकी काम करती हूँ तो उसके साथ साथ वॉश बेसिन भी थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। अब हमारा वॉश बेसिन बिल्कुल चमक गया है शीशे की तरह। एंड गाइज, मैंने यहाँ पे कपड़े भी पानी में निकाल दिए हैं और ड्राई कर दिए हैं। कपड़े ड्राई हो गए हैं, उसके बाद हम इसको सुखा देंगे। इसकी स्क्रीन देख रहे हो आप, ये ऐसे खेलता रहता है। जैको, पता क्या हुआ? ओह, ये बिल्ली आ गई। बिल्ली का नाम देखो, तो बिल्ली कहाँ है? फिर खेलना स्टार्ट।
हम सब घर में काम करते रहते हैं और यासी खेलता रहता है, मस्ती करता रहता है, पता नहीं क्या कबूतर उड़ाता है। चलो घूमी घूमी चले, देखा हाँ, तुम घुमाने नहीं जा रहे मेरे को, मेरे का लाडला और सबसे शैतान बच्चा यही है। कहाँ घूम रहा है? ठीक है ना, कहाँ थक गया? जैको कपड़े से कौन खेलता है? जैको रे इधर देखो, बीबी ना इधर देखो, ये कपड़ा छोड़ो यहाँ से। नहीं नहीं, ये कपड़े नहीं। से कौन खेलता है बेटा? नहीं जैको बेटा कपड़े से नहीं खेलते, लाओ कपड़ा दो जल्दी कपड़ा दो, छोड़ना है ये, इससे खेलना नहीं है बेटा, मैं नहीं खेलूँगा कपड़े से। कपड़े से नहीं खेलते, खिलौने से खेलते हैं। तुम्हारा हरा वाला कहाँ है? हरा वाला खिलौना कहाँ है तुम्हारा? वो लेके आओ, ये छोड़ो बेटा, सब बोलेंगे वरना फिर गंदा आइए। गाइस ये जो हमारा जैको है ये कुछ भी दिनों से नहीं सुधरता है, ये जो उसके टॉय है गेंद है वो सब छोड़कर ये कपड़े के साथ खेलता रहता है पूरा दिन, और यहाँ किसी को सुनता भी नहीं है, देखो शैतान। एंड गाइस हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे आम, आम मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत ही मीठा और टेस्टी आम था। तो गर्मियों में तो यही फ्रूट होता है जो सबको पसंद होता है, मेरे को तो बहुत पसंद है। गाइस हम लोग करते हैं वीडियो का एंड, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।